Hello and welcome RCI online classes. Dear students, today we are studying physics. Our next topic is size of astronomical objects, diameter of moons. Dear students, हम लार्ज डिस्टेंस को मेजर कर रहे थे. लार्ज डिस्टेंस बहुत अर्थ से स्टार्स की डिस्टेंस या अर्थ से मून की डिस्टेंस, उसका सेकंड जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं. सेकंड जो पार्ट है जिसमें हम डायमीटर कंसीडर कर रहे हैं. डायमीटर किसकी है? मून की डायमीटर. क्लियर है? मून की डायमीटर कंसीडर करेंगे. तो साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे पास मून है, अर्थ से मून की जो डिस्टेंस है उसको कैसे मेजर करेंगे? या फिर वो तो पैलेक्स मेथड हो गया अर्थ से स्टार की डिस्टेंस का. अब हम मेजर कर रहे हैं कि अर्थ पे ही रहकर जो मून है उस मून की डायमीटर कैसे कंसीडर करें. उसके लिए हम पहले डायग्राम को समझेंगे कि ये हमारा अर्थ है. अर्थ से यहां पे हमारा मून है. लेट अस कंसीडर, हेयर इज मून. ठीक है, ये मून है आपका. अर्थ के सरफेस से, यहां से अर्थ के एक पर्टिकुलर सरफेस से हम यहां पर जो मून है उसकी डायमीटर के रेस्पेक्ट में टेलीस्कोप, विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप से यहां पर जो मून है और इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसकी डायमीटर को देखें, तो ये जो इसकी डायमीटर है, और लेट अस कंसीडर अर्थ के सरफेस से जो ये एंगल बन रहा है वो एंगल लेट अस कंसीडर थीटा है. एक हमने पॉइंट ले लिया मून का इस साइड, क्योंकि अर्थ से मून को देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है? एक डिस्क दिखती है, सर्कुलर डिस्क लगती है. उसके एक पॉइंट को हमने ए नाम दिया और दूसरा जो पॉइंट है लेट अस कंसीडर उसको नाम क्या दे दिया? बी. क्लियर? यहां से अर्थ सरफेस को हमने जो जहां पे हमने पॉइंट लिया है उसको सी दे दिया. क्लियर? देखिए, यहां से ए से सी की जो डिस्टेंस है लेट अस कंसीडर स्मॉल डी है. तो ये स्मॉल डी है तो ये भी क्या होगी बेटा? स्मॉल डी. क्लियर? अब आपको ऐसा नहीं लग रहा यहां से स्मॉल डी का एक आर्क बनाए, यहां से एक सर्कुलर आर्क बनाए, तो ये एज ए क्या हो जाएगी? आर्क. ए बी क्या है यहां पे? आर्क. और ये इसकी क्या कहलाएगी? डायमीटर. अगर हम ये कंसीडर कर ले, ये आर्क जो है वो कंसीडर कर ले, तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा बेटा. क्लियर है? तो यहां से ये डिस्टेंस हमें मेजर करनी है डी, और ये क्या है? स्मॉल. यहां से अगर अपन एक वो देखें तो ये एक तरह से क्या है? एक तरह से आर्क है. ठीक है, आर्क जो है वो ही है इस मून की डायमीटर. क्लियर है? मून की क्या है? ये डायमीटर. अब इसको कंसीडर करना है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें, वही मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हमने पैलेक्स फॉर्मूला पढ़े थे. इससे पहले वाला जो टॉपिक है, प्रीवियस टॉपिक में पैलेक्स मेथड पढ़ा था. पैलेक्स मेथड में क्या कंसीडर किया था? अर्थ से जो भी स्टार है या मून है उसकी डिस्टेंस आप क्या कंसीडर कर रहे हैं? उसकी डायमीटर. ठीक है, और ये हमारा टॉपिक है साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स. तो देखो इसको सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू, टेंथ में आपने पढ़ा है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. अरे यस नो? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. हाँ जी, एंगल क्या है? आपने एंगल क्या लिया यहां से? एंगल लिया आपने थीटा. सो एंगल इज थीटा इज इक्वल टू आर क्या है बेटा? यहां पे स्मॉल डी रेडियस का अगर हम सर्किल बनाए तो आर्क ए बी है, तो यहां पे आर्क ए बी. क्लियर? और रेडियस क्या आएगी? इस आर्क ए बी की रेडियस क्या है? अगर यहां से हम देखें तो रेडियस क्या है? स्मॉल डी. तो स्मॉल डी. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए बी को हमने क्या ले रखा है बेटा? हेयर लेट ए बी इज इक्वल टू डी, और डी क्या है? डायमीटर ऑफ मून. सो डी इज डायमीटर, डायमीटर ऑफ मून. ओके, सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यू
and this equation, so we can write theta is equal to AB की value d है, so d capital D upon small d, clear? हमें क्या calculate करना है यहाँ से? This is called equation number first. हमें consider करना है diameter, clear? तो diameter consider करेंगे, तो diameter क्या आ जाएगा अपने यहाँ से? So capital D is equal to theta into d. अरे यस ऑर नो? d क्या है? Here this is called equation number second. d है यहाँ पे diameter of this moon या जो भी आपके पास star है और theta angle and small d is distance. क्लियर? अच्छा theta हम ट्रिग्नोमेट्रिक से सॉल्व कर लेंगे थीटा की वैल्यू. अब डी कहां से आएगा? स्मॉल डी क्या है? अर्थ से मून की डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस है और उसको हमने कब सॉल्व किया था? पैलेक्स मेथड से. तो पैलेक्स मेथड से हम क्या सॉल्व कर लेंगे? स्मॉल डी. क्लियर? और ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी डायमीटर. और क्लियर है? अब बात यह आई कि यहां से हमने इसको, इस पॉइंट को देखा है अर्थ के सरफेस से मून को, इस पॉइंट को हम देख रहे हैं तो हमें मून कैसा दिखाई देता है? डिस्को में. तो टेलीस्कोप की हेल्प से हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? और उससे ये जो डी है ये डी कैलकुलेट कर लेंगे. स्मॉल डी कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने अभी बताया, कल हमने पढ़ा था पैलेक्स मेथड से. क्लियर है? पैलेक्स मेथड से सॉल्व हो जाएगा. और थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक से, क्योंकि यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से थीटा कंसीडर हो जाएगा, ठीक है? और इस फॉर्मूले से हम कैपिटल डी को कंसीडर कर लेते हैं. क्लियर है? समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो. यहां तक आपको उतारना है, राइट कर लीजिए, राइट डाउन. ओके, कोई डाउट? ऑनलाइन वाले अगर कोई डाउट हो तो आप चैट कर सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं. थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच.